So here we are talking about the Mile food promotion which you are doing right now. जैसे आपको सबको पता होगा ये this is the year declared by UN as the year of the Mile. Actually origin इसका हुआ है from this state itself which got spread across the country and then UN has declared this year as the Mile of the year. ITC as a company, I think we are completely involved into this activity and in ITC hotels हम हर होटल में ये अभी प्रमोट कर रहे हैं और ये राउंड द ईयर इसका मिले के बारे में बात कर रहे हैं. मिले प्रमोशन हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर मंथली फूड एंड बेवरेज प्रमोशन हम जो हर होटल में कर रहे हैं इंक्लूडिंग आर होटल ओवर हियर वेलकम होटल भुवनेश्वर. सो दो ये हम पूरा साल कर रहे हैं फिर भी दिस मंथ वी आर डूइंग अ एक्स्ट्रा स्पेशल प्रमोशन ऑन मिले एंड टू मेक इट मोर फोकस्ड द लोगों को मिले के बारे में ज़्यादा पता चले. नाउ इनिशियली ऑब्वियसली मिले इज़ अ फूड नॉट आज का कुछ मॉडर्न खाना कुछ है नहीं. This has always been part of our culture. And हमने देखा है कि गाँव के तरफ tribal areas, it's hugely used. Now we are trying to reintroduce it. जो लोग यूज़ नहीं करते उनको इस बारे में पता चलने के लिए how to make it more part of our culture. लोग कैसे इसको enjoy कर सकते हैं और इस खाने को समझ सकते हैं कि इसको अलग खाने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग का normal जो day to day dish है उसी के अंदर we can integrate मिले and have people consume it, enjoy it and know more about it. सो अगर आप जब जाएंगे हमारे बुफे भी देखेंगे द गुड सेक्शन ऑलमोस्ट 3 सेक्शंस ऑफ आर फूड टुडे आउट ऑफ द 5 मेजर सेक्शंस वी आर टॉकिंग अबाउट मिले आवर एंटायर हॉट सेक्शन वेर यू आर सीइंग इवन कॉन्टिनेंटल फूड इवन ओरिएंटल फूड एंड इंडियन फूड वी आर टॉकिंग अबाउट मिले आवर एंटायर डेजर्ट सेक्शन द एंटायर डेजर्ट सेक्शन हैज गॉट सम बिट्स ऑफ मिले इनटू इट वेदर इट्स अ रागी और बाजरा और मनियर मिले कुछ ना कुछ है. इवन वन ऑफ द सूप्स व्हिच यू हैव टुडे इवन दैट हैज मिले इनटू इट. सो ये करने का वन इज़ ऑफ कोर्स वी आर गोइंग अहेड विथ ईयर ऑफ द मिले का हम प्रमोट कर रहे हैं. कंट्री का विजन आर कंपनीज विजन आर स्टेट्स विजन कीपिंग ऑल दैट इन माइंड टॉकिंग अबाउट इट एंड ये प्रमोशन करने का वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ये हो रहा है कि जो लोगों को पता नहीं है जो लोग सोच रहे ये क्या है करना चाहिए कि नहीं चाहिए खाना चाहिए कि नहीं चाहिए वंस इट बिकम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बुफे लोग आके ट्राई कर रहे टेस्ट कर रहे उनको पता चल रहा है. So not only would they come and have it over here, because they are also getting enriched and enlightened and more educated about Mile, they can try similar things at home. So I think that is keeping in an overall holistic approach in mind. That's how we are doing the Mile promotion, and log aa rahe kha rahe isko enjoy kar rahe, and hopefully they will be doing a lot more about it once they go back home and keep on coming back. To try about more Mile. This ultimate, I mean, that's why I'm saying it's not a separate food variety as such. Hum in multiple food, whether it's a normal Asian food or an Indian food or continental food, Mile can be added as part of it. Aisa nahi ki Mile ka hamara char item hai. Agar aap buffet mein dekhenge, aaj ke buffet mein dekhenge, tino different kind of cuisine ke andar, you can see Mile being part of it. So, sare dessert section, Indian section, aapka continental section, sab mein, whether it's a mousse or a firni, har jagah aapko Mile dikh raha hai. सो एक अलग सेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है. सो एज ऑफ नाउ फ्रॉम अ वेलकम होटल भुवनेश्वर पर्सपेक्टिव और ITC होटल्स पर्सपेक्टिव राइट नाउ ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोटिंग इनसाइड द होटल बिकॉज दैट इज आवर एरिया ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी. एज फार एज ITC कंपनी इज कंसर्न दे कैन ऑब्वियसली डू मच मोर बट हियर ऑफ कोर्स वी आर फोकसिंग ऑन वट वी कैन डू एज अ होटल एंड डेफिनेटली लाइक एवरी मंथ हम जो फूड प्रमोशन करते हैं हमारे हर मंथ का फूड प्रमोशन के अंदर मिले हैज़ बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट इस एंड अक्रॉस द चेन ऑफकोर्स हमारे इस होटल में इस महीने में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं दैट इज़ द मेन पर्पस. नमस्ते मेरा नाम अनिमेश अलेक्जेंडर है. मैं वेलकम होटल बाय ITC होटल्स का एग्जीक्यूटिव शेफ़ हूँ और आज हम लोग यहाँ पर एक मिलेट्स के बारे में हम लोग जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे हम लोगों ने आज बुफे लगाया है सबके लिए तो उस बुफे में सारी चीज़ें जो हैं वो मिलेट्स से बनी हुई हैं जिसमें कि हम लोगों ने बाजरा यूज़ किया है हमने रागी यूज़ किया है हमने प्रोसो मिलेट यूज़ किया है कोडो मिलेट यूज़ किया है लिटिल मिलेट यूज़ किया है. तो ये सारे जो मिलेट्स हैं ये बहुत मेजर मिलेट्स इनको बोला जाता है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होते हैं और ये जितने सारे मिलेट्स हैं इनके अपने अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं. इंडिविजुअली दे ऑल हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और इनमें जो शुगर की मात्रा जो होती है जब हम उसको खाते हैं तो ये बहुत धीरे धीरे शुगर रिलीज़ करती है इसलिए काफ़ी हेल्दी होती है और हम लोगों को हेल्दी चावल और गेहूं से ज़्यादा हेल्दी होती है. तो आज हम लोगों ने जैसे चीज़ें बनाई हैं
तो अगर आप स्टार्टर देखेंगे तो हमने बाजरा गोली बनाई हुई है, बाजरा के कबाब बनाए हुए हैं, फिर हमने बाजरे का एक फ्राइड राइस बनाया हुआ है, फ्राइड राइस टाइप की चीज़। तो हम लोगों ने क्या किया है कि राइस जो है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है बाजरा से, और एक चाइनीज़ प्रिपरेशन अच्छा सा बनाया हुआ है। फिर हमने रागी यूज़ करके हम लोगों ने एक वेजिटेबल एंड रागी मंचूरियन बनाई है। फिर हमने मिलेट्स, मिक्स्ड मिलेट खिचड़ी बनाया है, जो कि सारे मिलेट्स को लेकर के बहुत अच्छा एक एक प्रिपरेशन है। फिर एक डिश हमने थोड़ी इनोवेशन किया है, हम लोग क्या किया है कि चिकन को लेकर के उसका कीमा बना करके उसको हम लोगों ने प्रोसो मिलेट किया है, राइट। फिर कॉन्टिनेंटल में भी क्यूजीन में, वेस्टर्न क्यूजीन में होता क्या है कि हम लोग उधर छोड़ देते हैं, मिलेट्स इज़ वेरी वेरी इंडियन, राइट। तो उसमें भी हम लोगों ने थोड़े इनोवेशन करके ग्रिल फिश के साथ में हम लोगों ने जवार, जिसको शोरगम भी बोलते हैं, वो हम लोगों ने बनाया है। साथ साथ में डेजर्ट्स हैं हमारे, जो कि एक बाजरे आम की फिरनी और बाजरा गुड़ की फिरनी। तो ये सारे जो हमारे मिलेट्स के प्रिपरेशन हैं।